ये थाना जो सिविल लाइंस है इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुईया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद साहिद है ये अतरसुईया थाना क्षेत्र का रहने वाला है करेली, तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप प्रिंटर स्कैनर कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे और ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है जो कि 15,000 रुपये में 45,000 रुपये के नकली नोट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे और इनसे जो इंटरोगेशन में जो चीज़ें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। सर ये इन पैसों का क्या करते थे, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे, कोई बाहरी कनेक्शन? देखिए जैसे मैंने बताया कि ये पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे और इनको मार्केट में जो दुकानें हैं उस पर सामान खरीदने के लिए पहले इन्होंने यूज किया और उसके बाद ये बल्क सप्लाई भी जैसे मैंने बताया कि 1/3 जैसे 15,000 रुपये में ये 45,000 रुपये के नकली करेंसी नोट्स 100 रुपीज के प्रोवाइड कर रहे थे। क्या इसमें आगे और भी कुछ गिरफ्तारियां होंगी? देखिए जैसे मैंने बताया इसमें क्योंकि अभी FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है और इंटरोगेशन और इसमें कुछ चीजें मिली हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करें।